एलियन एक्स पेन का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है। एंड अगर आपको याद हो तो जब वो पहली बार एलियन एक्स पे बदलता है तो अपनी पावर्स का केवल एक बार यूज करने के बाद बेन हिल नहीं पाता। क्या आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? तो एलियन एक्स की पावर्स का पहला बार यूज करने के बाद बेन एकदम अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया था, जहां उसे दो वॉइसेस सुनाई देती हैं। जो फीमेल वॉइस थी वहां पे उसका नाम था सेरेना, जो कि रिप्रेजेंट करती है वॉइस ऑफ लव एंड कंपैशन। एंड वहां पे जो मेल वॉइस थी उसका नाम था बेरिकस, जो कि रिप्रेजेंट करता है वॉइस ऑफ अग्रेशन एंड रेज। एंड जब वहाँ पे बेन इस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करता है तो वो बन जाता है वॉइस ऑफ रीजन। एंड जब ये तीनों मिलकर किसी चीज़ पे अग्री करते हैं तो ही एलियन एक्स वो काम को अंजाम देता है, नहीं तो वो ऐसे स्टिल खड़ा रहता है। अगर आपको फोर्ज ऑफ क्रिएशन वाला आर्क याद हो, वहाँ पे जब सारे के सारे फोर्ज ऑफ क्रिएशन में पहुँचते हैं तो कई सारे सेलेस्टियल शेपियंस यानी कि एलियन एक्सेस सिर्फ ऐसे ही स्टिल खड़े थे एंड डिसीजन का वेट कर रहे थे अपने माइंड में। तो अगर शॉर्ट में बताऊँ तो वो डायमेंशन कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एलियन एक्स का दिमाग है, जहाँ पे वो फिगर आउट करना चाहता है कि उसे अगला मूव करना क्या है।